नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह के सोशल स्किल्स के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अहमद सिद्दीकी और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, अपने घर को, काम को, पढ़ाई को, एंटरटेनमेंट को, और उस दौरान अगर हम अपने टाइम को सही से मैनेज ना करें तो हम ये सारी चीज़ें भी सही से मैनेज नहीं कर सकेंगे। और जो इंसान अपने टाइम को सही मैनेज नहीं करता वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेचैन रहता है, उसकी ज़िंदगी बहुत अजीरन हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है, अनोइंग हो जाता है और अपनी गोल सेट भी नहीं कर पाता। सोचो अगर आपको कोई एक मेंढक खाने को कह दे, एक बड़ा सा मेंढक, तो फिर आप उसको किस टाइम पर खाना पसंद करोगे? और वो मेंढक आपको खाना ही पड़े तो किस वक्त आप उसको खाना पसंद करेंगे? लॉरेन नाम के एक ऑथर ने अपनी बुक में लिखा कि अगर कोई मुझे कोई सबसे बुरा सा बुरा काम मुझे लाजमी करना हो तो मैं उसको सुबह के टाइम पे करूँगा, क्योंकि सुबह के टाइम पे हमारा विल पावर बहुत ज़्यादा होता है और अगर मैं उसको सुबह ही कंप्लीट कर लूँ तो पूरा दिन मेरा टेंशन फ्री गुजर सकता है। ऐसा काम जो मुझे लाजिम करना ही हो लेकिन अगर उसके बारे में मैं सोचता रहूँ और ये सोचता रहूँ कि मुझे ये खाना है या ये करना है और वो पूरा दिन उसके बारे में सोच सोच के मैं अपना दिन ज़ाया कर दूंगा, तो बेहतर यह है कि उस दिन के आगाज़ में ही मैं अपनी वो टेंशन रिलीज़ कर दूं और पूरा दिन मैं टेंशन फ्री होकर गुजारूं। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई प्रायोरिटीज़, कोई गोल सेट या कोई मकसद नहीं होता, कोई मिशन नहीं होता, कोई विजन क्लियर नहीं होता, तो वो अपना टाइम भी मैनेज नहीं कर पाते। जिन लोगों की ज़िंदगी में कोई मकसद होता है, उनको पता होता है कि उनको आगे क्या करना है, तो वो अपना टाइम मैनेज करने की खूब कोशिश करते हैं और वो उसमें कामयाब भी होते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी में कोई गोल सेट करें, कोई मकसद लाएं ताकि आप अपने टाइम को मज़ीद मैनेज कर सकें। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जिन पर अमल करके आप अपनी टाइम मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं। गोल सेट करने के लिए और टाइम मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये सोच लें कि आपने करना क्या है अपनी ज़िंदगी में। उसके बाद जब आप सोच लें कि आपने करना क्या है तो उसको एक पेपर पे लिख लें। बहुत से लोग पेपर पे लिखना पसंद नहीं करते तो अपने मोबाइल में ही लिख सकते हैं। मोबाइल में लिखने के बाद उनको शॉर्टलिस्ट करें कि हमें कौन से काम किस तरह से करने हैं, उनको अरेंज करें, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएं। जब आप उनको अरेंज कर लें प्रॉपरली तो फिर उन पर एक्शंस लेना शुरू कर दें। एक्शंस लेने के दौरान आप उन पे मज़ीद काम करना इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो आपका मकसद है उससे रिलेटेड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उस मकसद के करीब कर सकें। हो सकता है कि आपके लिए कोई बुक, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मेंटर उसके करीब जाने में आपकी मदद कर सके, तो आप उसकी हेल्प लेना शुरू कर दें। अपने कामों की लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक मास्टर लिस्ट बनाएं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी के वो तमाम काम लिखें जो आपने करने हैं आगे। उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि आपको अपना घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, एक अच्छी जॉब या बिज़नेस या वर्ल्ड टूर या अपने कंट्री टूर के लिए आप चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद आप मंथली लिस्ट बनाएं कि आपने एक महीने के अंदर क्या क्या चीज़ें करनी है। उसके बाद आप वीकली लिस्ट बनाएं कि आपने एक हफ्ते के अंदर कौन से काम कंप्लीट करने हैं। फिर आप एक डेली लिस्ट बनाएं कि आपने दिन में कौन कौन से काम ख़त्म करने हैं। हो सकता है सौदा लाना, होमवर्क करना या फिर बिल वगैरह भरना। तो ये सारी चीज़ें आपकी डेली लिस्ट के अंदर भी आ सकती हैं। ऐसी चार लिस्ट आप बनाएं, मास्टर लिस्ट, मंथली लिस्ट, वीकली लिस्ट एंड डेली लिस्ट। फिर आप हर लिस्ट के अंदर हर चीज़ को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दें। जैसे कि आप अपनी डेली लिस्ट के अंदर जो चीज़ें आपने लिखी हैं तो उनमें आप ए बी सी डी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे काम जो आपको लाजमी ही करने हैं उनमें आप ए आगे लिख सकते हैं। ऐसे काम जो थोड़े कम इम्पॉर्टेंट हैं उनके आगे आप बी लिखते हैं। ऐसे काम जो उससे ज़्यादा कम इम्पॉर्टेंट हैं, जो शायद अगर आज ना भी हों तो कल पे जा सकते हैं, तो उन पे आप सी लिख दें।
और ऐसे काम जो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हैं उनके आगे आप डी लिख दें, तो इसमें आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि आपने कौन सा काम पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद कौन सा करना है, फिर उसके बाद, तो उससे आप अपना टाइम मज़ीद मैनेज कर सकते हैं। अपनी रूटीन को अच्छा रखें, वक्त पे सोएं, वक्त पे उठें, और कोशिश करें कि ऐसे काम जो लाजमी ही करने हैं और जो टेंशन फ्री नहीं हैं तो उनको अपने दिन के आगाज़ में ही कर दें, और अपनी लिस्ट मेंटेन रखें। रोज़ाना एक लिस्ट बनाएं, डेली, फिर हर एक वीकली लिस्ट, और मंथली, और फिर मास्टर लिस्ट। और जैसे जैसे आपके काम कंप्लीट होते रहें उनके आगे आप टेक लगाते रहें, और रोज़ एक नई लिस्ट बनाएं और हर वक्त एक नए मिशन की तरफ निकल जाएं। तो इसी के साथ हमारा आज का पॉडकास्ट अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आपसे अगले पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।